फिर आपका इस चैनल पर। तो दिल्ली पुलिस द्वारा एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई है और सबसे बड़ी बात इस नोटिफिकेशन की है कि अगर आप चाहे जिस भी स्टेट से, भारत के, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, आप सभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस की भर्ती, जैसा कि आप जानते हैं, यूनियन टेरेटरी के अंदर ये दिल्ली आती है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और इसकी जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार के अधीन इट मीन्स कि आप सभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा आप, 3 दिन के बाद इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, ओपनिंग डेट है, वो शुरू हो जाएगी। क्लोजिंग डेट होगी आपकी 30 अक्टूबर 2019। दिल्ली पुलिस .nic.in वेबसाइट है। मेल फीमेल आप सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका सिर्फ इसमें भारतीय होना जरूरी है। दोस्तों, नौ अपवाद है ये जनरल के लिए। इसमें 140 मेल के, 69 ये फीमेल के, ये आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई हुई है, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। 25,000 से लेकर 81,000 तक आपकी इसमें सैलरी रहेगी। 25,500 to 81,000 प्लस इसमें आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल की ये वैकेंसी होने वाली है। जी हाँ, हेड कांस्टेबल की इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये बड़ी जानकारी, 10% जो रिजर्विस्ट ने इसमें आपको एक्स सर्विस मैन जो कैंडिडेट है उनको दी गई और 3% जो रिजर्व कोट है ये फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए होगा। बाकी कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया, जैसे SC के लिए इतनी, ST के लिए इतनी है, तो इस प्रकार से इनको बनाया गया। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ रही है। HA जनरल के लिए 18 से 25 आपकी आयु होनी चाहिए, जिस जनरल सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं। OBC के लिए 28 साल उम्र होनी चाहिए और SC ST के लिए 30 साल इसमें उम्र आपकी होनी चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड 38 साल तक आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। बाकी जो अदर है, जैसे डाइवोर्स मैरिड वोमेन है, उनके लिए भी इसमें आपको 35 साल तक आपको एज बताई हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये वैकेंसी जो ये आपकी भरी जाने वाली है। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट ये आपको बताया हुआ है। 100 रुपये इसमें आपकी जनरल की फीस होगी। बाकी जो है रिजर्व कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और जो फीमेल है उनके लिए इसमें कोई भी फीस नहीं होने वाली। सिर्फ जो जनरल से बिलोंग करते हैं लड़के, उनके लिए इसमें 100 रुपये फीस होगी। आप ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या पेटीएम से भी आप फीस इसकी सबमिट करवा सकते हैं। फीस एक बार आपने भेज दी वो वापस नहीं होगी। इसमें ये आपको बताया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया के लिए। मैंने आपको बता दिया, आप पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से या फिर झारखंड से या मध्य प्रदेश, UP से, जहाँ से भी आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी नोटिफिकेशन है। हेड कॉन्स्टेबल आपका इसमें फर्स्ट रैंक होने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी है। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर देख लीजिएगा, ये आपको बताया हुआ है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, जैसे कि आपको बताया हुआ 18 से 25 ही आपको एज बताई हुई है। 5 साल SC ST इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 30 तक, और OBC वाले 3 तो 28। फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन है, जनरल और स्वर्ण रक्षण वाले, इनको 10 साल की छूट है। और SC ST वाले जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 15, OBC वालों के लिए इसमें 13 साल की छूट होगी, जिस प्रकार से पहले होती, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। बाकी एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल की इसमें छूट दी गई है जनरल के, और OBC के जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए इसमें 6 साल की छूट, और एक्स सर्विस मैन SC ST 8 साल की इसमें छूट आपको दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र 12 पास आप हो आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ही आपको इसमें बताया हुआ, टाइपिंग टेस्ट आपका इसमें होगा। आप चाहे इंग्लिश में टाइप करो या हिंदी में, परंतु सिर्फ आपको एक टाइपिंग टेस्ट इसमें देना पड़ेगा, जिसकी स्पीड आपकी स्क्रीन पर आ रही 30 वर्ड पर मिनट। ये आपको इसमें बताया हो तो 30 शब्द आपको हिंदी में या 30 शब्द आपको इंग्लिश में और 25 शब्द आपको हिंदी, तो इनमें से आप किसी एक में दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों में आपने क्वालिफाई करना है। अगर आपकी टाइपिंग इंग्लिश में अच्छी तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, और अगर आपकी हिंदी में अच्छी तो आपको 25 वर्ड फिर टाइप करने पड़ेंगे, हिंदी में भी आपको सेम टाइम इसमें रहेगा। देखिएगा, फिजिकल टेस्ट जो आपका होने वाला है PAT, इसमें आपका ये रेस होगी आपकी 1600 मीटर 7 मिनट का, जिनकी एज 30 साल तक उनको टाइम, बाकी 40 साल जिनकी एज है उनके लिए 8 मिनट, और जो है उनके लिए 9 मिनट आपको इसमें टाइम। लॉन्ग जंप, हाई जंप आपको पूरा बताया हुआ है। 12.5 फीट 3.5 फुट आपको हाई जंप लगाना पड़ेगा, और फीमेल के लिए अलग अलग इसमें आपको बताया हुआ है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये फीमेल के लिए, पहले जो आपने देखा वो मेल के लिए था, तो ये आपको इसमें पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। हाइट मेल के लिए आपको 165 सेंटीमीटर ये बताई हुई है, और बाकी पूरी जानकारी आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आप इस नोटिफिकेशन के लिए या इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो आप जरूर अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं।
कोई भी अगर आपको सवाल है तो आप कमेंट हमें ज़रूर करें ताकि हम आपको जानकारी इसकी दे सकें। ये आपका एग्ज़ाम होगा इस प्रकार से, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 100 मार्क्स, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो आपका ये क्वालिफाइंग होगा, और टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर ये 25 नंबर का, और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट ही आपका होगा क्वालिफाइंग सिर्फ इसमें आपको, ठीक है। तो ये आपका जो रिटर्न होगा इसमें वो और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के इसमें आपको 25 नंबर लगेंगे। तो 125 नंबर का ये टोटल आपका होने वाला है, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। देखिएगा जो CBT होगा इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस आएगी, कॉन्टीट्यूटेड एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब कुछ, इंटरनेट, वेब, सब कुछ बताया हुआ है। 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, 90 मिनट, 1.5 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, कमेंट जरूर करें। परंतु आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आप सभी, सिर्फ आपकी एज जो आपको बताई 18 से 25 जनरल की है, 5 साल की छूट SC ST के लिए, 3 साल की OBC के लिए, तो फिर आप अप्लाई सभी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।